जय हिंद, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा द फ्यूचर एजुकेशन पर। यहां पर आपको मिलती है स्मार्ट नॉलेज और आज एक ऐसी ही स्मार्ट नॉलेज लेकर आया आपके लिए द फ्यूचर एजुकेशन। तो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाले बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना संबंधित ये नई जानकारी आपके लिए लेकर आया द फ्यूचर एजुकेशन। तो हम उस जानकारी पर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जितने भी शामिल परिवार हैं, जिनमें कि लगभग 1.33 करोड़ परिवार शामिल हैं, उनकी महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी फ्री इंटरनेट सेवा के साथ में, जिसमें कि आपके मोबाइल सेवा प्रदाता जितनी कंपनियां हैं, जिनमें कि BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया है, इनमें से किसी दो कंपनियों को सीधे भागीदारी के तौर पर इसमें चुना जाएगा और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इन ऑपरेटरों से जुड़ सकती है। लेकिन इस बिड में यानी कि ये जो आपके जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो उन्हें डायरेक्ट यहां टेंडर उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। यहां पर आपके जो इंटरनेट या फिर कॉलिंग फैसिलिटीज जो सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, उन्हीं को यहां पर आपके टेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा और उन्हीं की बिड यहां पर छूटेगी। तो यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना संचार विभाग DOIT ने 7500 करोड़ रुपए के इस टेंडर के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हां, इसमें आपका जो टेंडर रहेगा वो 7500 करोड़ रुपए का रहने का यहां पर आपके घोषणा की गई है, जिसमें कि प्री बिड मीटिंग जो है वो आपके सोमवार को कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही संपन्न हुई है, जिसमें सभी मोबाइल ऑपरेटर और हैंडसेट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब आपको बता देना चाहेंगे, इसमें कुल मिलाकर के दो कंपनियों को ये काम मिलने वाला है, जिसमें कि आपको बता देना चाहेंगे टेंडर वन में L1 और L2 जो सबसे कम दर में काम करने को तैयार होगी, उन्हें यह जिम्मा सौंपा जाएगा। L1 को 70% और L2 कंपनी को 30% मोबाइल सप्लाई का काम यहाँ पर दिया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में 1 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी, जिसमें कि तकनीकी रूप से योग्य कंपनी का चयन होगा और उसके पश्चात इन कंपनियों को टेंडर दिया जाएगा और उनके आधार पर ये आपको आगे मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हो पाएंगे। इसमें आगे की जानकारी आपको बता देना चाहेंगे, यहाँ पर जिन कंपनियों को यहाँ टेंडर दिया जाएगा उनसे संबंधित 3 शर्तें यहाँ रखी गई है, जिसमें कि कंपनी के पास राजस्थान सर्कल में मोबाइल सेवा देने का लाइसेंस हो, साथ में ब्लॉक और जिला लेवल तक लोकल सपोर्ट ऑफिस होना जरूरी है, साथ में 3 साल तक उन्हें फ्री इंटरनेट डेटा देना होगा। तो ये 3 शर्तें उन कंपनियों के लिए रखी गई है। साथ में किस व्यक्ति को यानी किस परिवार को ये मोबाइल उपलब्ध होगा, इसमें भी आपके बताया गया है जनाधार कार्ड जिनके पास है उन्हें ये मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन जिनका नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में चिन्हित है उनकी परिवारों की महिला मुखिया जो है उन्हें ये उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें कि 2 सिम आपके लगने का स्लॉट होगा। साथ में इंटरनेट सेवा भी इसमें दी जाएगी, स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट सेवा भी देनी होगी। यह सेवा मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी ही दे सकती है, इसलिए टेंडर में सीधे तौर पर BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया कंपनी ही भागीदारी कर सकती है। हैंडसेट निर्माता कंपनियाँ उन्हें सपोर्ट कर सकती है, जिसमें सितंबर से वितरण शुरू करेंगे। इसमें आपके बताया गया है कि इसका वितरण जो है वो सितंबर शुरू हो जाएगा और 1 साल इसमें लगभग आपके वितरण में लग सकता है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, सरकार चाह रही है कि आचार संहिता लगने से पहले मोबाइल फ़ोन वितरण का काम पूरा हो जाए। अगले साल दिसंबर में आपके राजस्थान में नई सरकार का गठन होना है और उससे पहले चुनाव है, तो ऐसे में अक्टूबर तक आपकी आचार संहिता लग सकती है, इसलिए उससे पूर्व सरकार मोबाइल फ़ोन बांटने का काम पूर्ण करना चाहती है। तो ये जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पर आगे भी आपको स्मार्ट नॉलेज मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दें, शेयर वाले बटन को दबा करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।